रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ शनिवार को लोगों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर फूट गया। अतिक्रमण के खिलाफ रामनगर बंद का आह्वान शनिवार को किया गया और बंद को सफल बनाने के लिए आंदोलन से जुड़े लोग नगर में लोगों से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करने की अपील करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन बंद का असर जहाँ एक और रानीखेत रोड पर पूरी तरह दिखाई दिया तो वहीं मुख्य बाजार में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि आज गरीबों को रोजगार देने के बजाय सरकार उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है। सरकारी नौकरी लोगों को मिल नहीं रही है, उसमें भी भ्रष्टाचार करने के साथ ही मंत्रियों के सके संबंधी लोगों को ये नौकरियां दी जा रही हैं। प्रदर्शनकारी ने रामनगर वन प्रभाग के DFO कार्यालय पहुंचकर वहां भी जमकर प्रदर्शन करते हुए वन विभाग के खिलाफ भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर रामनगर में विभाग और सरकार की ओर से जबरन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई तो इसका पुरजोर विरोध किया जाए। उन्होंने सरकार और वन विभाग से गरीब लोगों को ना उजाड़े जाने की मांग की है। देखिए, तो हमने जनता से आह्वान किया था, स्वैच्छिक था। जिन लोगों ने बंद किया उनका आभार है, जिन लोगों ने बंद नहीं किया आने वाले समय में जब उनके ऊपर डंडा पड़ेगा तो वो भी पछताएंगे और तब हम उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो आज हमारा जो आंदोलन है वो इसलिए है कि दुकानें उजाड़ी जा रही हैं, लोगों को घरों से उजाड़ा जा रहा है। और 5 साल पहले एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, और जब लोग सड़क के किनारे खुमचा लगा करके मोमो बेच रहे हैं, पकौड़ियाँ बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, तो उनको क्यों उजाड़ा जा रहा है। और जो सरकारी नौकरियां हैं वो तो हम लोग देख रहे हैं कि घोटाले हो रहे हैं, उसमें नेता और मंत्री के भाई भतीजों को मिल जा रही है। एक आम आदमी जो सब्जी बेच करके रोजगार चला रहा है उसको छीना जा रहा है, उसके खिलाफ पूरे रामनगर क्षेत्र की जनता ने आज सड़कों पर उतर करके अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है। और यहाँ पर हम एक संदेश देने आए हैं कि एक भी घर, एक भी दुकान, एक भी किसी का रोजगार ना उजाड़ा जाए। यदि उजाड़ा जाएगा तो पूरे क्षेत्र की जनता उसके खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करेगी। सरकार ने जो आम जनता है उसके घरों को उजाड़ दिया, उनके जो रोजगार के साधन हैं उन पर बुलडोजर चला दिया है। तो हम मांग करते हैं कि जो सदियों से अपने रोजगार को चलाने अपने जगहों में बैठे हुए थे तो उन जगहों को दोबारा से विस्थापित किया जाए और जो उनके रोजगार हैं उन्हें ख़त्म न किया जाए। मोदी सरकार आए दिन नए नए कानून बनाती है, नए नए नियम बनाकर जो आम जनता है उन्हें परेशान कर रही है, जिससे आम जनता इस कदर परेशान है कि वो अपने बच्चों को तक पालने पोषण में उनको इतनी दिक्कत आ रही है कि वो नहीं एक टाइम का भोजन भी उन्हें नहीं दे पा रही है और रोजगार उनके एकदम ख़त्म कर दिए गए हैं। जो उनके बने बनाए बसे बसाए घरों थे उन्हें तोड़ दिया गया है। तो हम यही चाहते हैं कि मोदी सरकार उन्हें दोबारा से उनके जो रोजगार है उन्हें बनाए और उन्हें रोजगार दे। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो हम एक और आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रामनगर एक ऐसी जनता है रामनगर की जो कि शांतिप्रिय जनता है, वो चाहती है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारे रोजगार हैं वो वहीं पर स्थापित रहे। वहीं रामनगर वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय में न मिलने पर कोसी रेंज के रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने वनाधिकारी से मिलवाने का आश्वासन देते हुए लोगों को आश्वस्त किया। और अपना जो भी तुम्हारा हल निकलता है, मैं तो सक्षम अधिकारी इतना होने की हल निकालू, हम तो टेबल लोगों ने अफसरों ने निकालना है, तो मैं इतना कर सकता हूँ कि आप लोगों को 5 या 10 लोगों को बुला सकता हूँ भाई। यही हजारों लोगों के ऊपर हम कहना चाहते हैं आपको अपना बुलडोजर चलाना पड़ेगा।